हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट। आज हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है और इसका प्रैक्टिकल कैसे करते होंगे। ये कैसे, अगर आपको कोई पाउडर फॉर्म में कोई सब्सटेंस या मटेरियल दे दिया जाए जो सॉलिड फॉर्म में हो, तो हम उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉरी मेल्टिंग पॉइंट कैसे निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। हमने किताबों में पढ़ा होगा कि मेल्टिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा। हमने किताबों में ढेर सारे केमिकल्स के बारे में देखा होगा और उसमें अलग अलग प्रकार के मेल्टिंग पॉइंट, कोई 60 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है, कोई 70 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है, कोई 80 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है। कभी आपने सोचा है कि ये कैसे पता करते होंगे कि ये 60 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट हुआ, इसका मेल्टिंग पॉइंट 60 हुआ। मान लीजिए इन केमिकल्स को हम ए बी और सी नाम दे दिए, है कि नहीं। अब मान लीजिए हमको एक केमिकल दे दिया गया ए, हमको पता नहीं है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। ये केमिकल याद रखिए सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का निकाला जाता है, नहीं तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा ना अगर वो लिक्विड फॉर्म में होगा। मान लीजिए हमें कोई एक केमिकल दे दिया गया, अब इसको हम लैब में करेंगे कैसे, हमें क्या क्या चाहिए होगा। हमें चाहिए एक पायरेक्स बीकर, जो पायरेक्स ग्लास का बना होता है। अब पायरेक्स ग्लास क्यों, क्योंकि ये जो ग्लास की क्वालिटी होती है काफी ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, बिना टूटे। उसके अलावा आपको एक तार की जाली चाहिए होगी। अब तार की जाली किस काम के लिए, ताकि जब हम बीकर को हीट दें, है ना, तो हीट बराबर भागों में फैल जाए। अब हमें एक बर्नर चाहिए। अब बर्नर ले लीजिए, स्ट्रीट लैंप ले लीजिए आप, वैसे बर्नर काफी अच्छा होता है, ठीक है। अब उसके अलावा हमें एक थर्मामीटर चाहिए, थर्मामीटर, और इन सभी को हम एक स्टैंड में फिक्स कर देते हैं ताकि ये इसी तरह से लगी रहे। अब क्या होगा, मान लीजिए हमें एक पाउडर फॉर्म में क्या दिया गया, एक मटेरियल दे दिया गया जिसको ए बोला गया, ठीक है। अब हम ये सॉलिड फॉर्म में, अगर ये पहले सॉरी सॉलिड हो, ठीक है, ये थोड़ा कंकड़ पत्थर की तरह दिख रहा हो, तो इसको हम पहले बारीक पीस लेंगे। अगर ये पहले से सॉलिड सॉरी पाउडर फॉर्म में है तब इसको पीसने की जरूरत नहीं है, तब हम क्या करेंगे, इनको एक ट्यूब ले लेंगे। ये ट्यूब टेस्ट ट्यूब की तरह दिखती है, लेकिन इन्हें एग्निशन ट्यूब, दहन नलिका या कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है। दहन नलिका और कैपिलरी ट्यूब अलग अलग होती है। दहन नलिका क्या होती है, ये टेस्ट ट्यूब की तरह होती है लेकिन छोटी सी होती है। इनका इस्तेमाल ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेजर करने के लिए, इनकी प्रैक्टिकल के लिए किया जाता है, ठीक है। ये छोटी सी होती है, बहुत पतली सी, और उसके अलावा एक होती है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब होती है, दोनों सिरे से खुली होती है, ठीक है, आर पार हवा जा सकती है। तो हम क्या करते हैं, यहां से एक सिरा इसका गर्म करके दबा देते हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ से कांच होता है पिघल कर सील हो जाता है। अब क्या होगा, एक तरफ ये देखिए कैपिलरी ट्यूब भी एग्निशन ट्यूब की तरह लग रही है। अब इसमें क्या करते हैं, जो पाउडर फॉर्म में जो हमारा ये मटेरियल है इसको हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। पाउडर फॉर्म में क्यों डालते हैं, पाउडर फॉर्म में डालने से क्या होगा, इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे या जो इनके पार्टिकल्स होंगे, ऐसा कह सकते हैं, वो काफी छोटे छोटे हो जाएंगे और आसानी से हीट पूरे में फैल जाएगा, है ना। अब इस कैपिलरी ट्यूब को या एमिशन ट्यूब, जिसमें भी हम ए मटेरियल को भरते हैं, उसको यहाँ पर थर्मामीटर के साथ फिक्स कर देंगे। याद रखिए थर्मामीटर का जो मेजरिंग, जो क्या होता है नॉर्थ होता है, वो कैपिलरी ट्यूब के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम एक ऐसा सोल्यूशन लेंगे जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, सोल्यूशन है लिक्विड फॉर्म में है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इनसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, एक ऐसा सोल्यूशन इसमें लेना है जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो वो बहुत ज्यादा हो। मान लीजिए हमने एक ऐसा सोल्यूशन ले लिया जैसे वाटर ले लिया, जबकि वाटर नहीं लेते जल्दी, ठीक है।
हमने इसमें क्या किया, वाटर ले लिया, क्योंकि वाटर जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये नॉर्मल के लिए। ठीक, अब वाटर लेने के बाद हम जब इसको गर्म करते हैं हम देखेंगे कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होने से पहले इसका हमें मेल्टिंग पॉइंट पता चल जाएगा, ये क्योंकि 60 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे इसको गर्म करते हैं, और हाँ गर्म करते हुए एक सीधे लंबी सी टेयर होती है जिसे एक छड़ी जैसी सीधे जिससे इसको चलाते हैं क्या, ठीक है, जिससे हम इस सॉल्यूशन को चलाते रहेंगे। अब कहीं कहीं हाई केमिकल्स की जगह यहाँ पर H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा, क्योंकि अगर ये गिर जाए तो आपको जला सकता है, इसीलिए हम नॉर्मल टेम्परेचर में पानी का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। लेकिन याद रखिए ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ये मेल्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये नहीं कि हम आपको ओरिजिनल केमिकल का नाम बताएं। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर क्या किया गया, हमें ये पता है कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे इसको गर्म करते हैं तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा, हम ध्यान देंगे कि हमारे कैपिलरी ट्यूब में जो पाउडर फॉर्म में क्या है, जो सॉलिड है उस पर ध्यान देंगे, हम देखेंगे कि कुछ समय बाद ये जो सॉलिड है वो मेल्ट होने लगता है। ठीक है, मेल्ट होने लगा, अब क्या करेंगे, जैसे ही ये मेल्ट हो जाता है तैसे हम इस बर्नर को हटा देंगे थोड़ी दूर। अब हम क्या करेंगे, इस वाटर का जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर को माप लेते हैं, जिसको हम T1 नाम देंगे, है कि नहीं, टेम्परेचर को नाप लिए, मान लीजिए इसका टेम्परेचर कुछ आ गया। हाँ? अब क्या करेंगे, अब करने के बाद हम ये बर्नर तो हटा लिए थे, अब क्या होगा, बर्नर हटा लेने पर वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे वापस कम आएगा, कम होगा, अब वाटर के टेम्परेचर में कितना अंतर होगा, कम से कम 5 से जितना भी टेम्परेचर हो 5-10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आने देंगे, क्यों, कुछ समय तक हटा लेने के बाद वाटर टेम्परेचर को कम होने देंगे। ठीक है, अब कम होने के बाद जब वो 5-10 डिग्री सेल्सियस, ज्यादा नहीं, ठीक है, 5-10 डिग्री सेल्सियस जब वो टेम्परेचर नीचे आ जाएगा फिर हम बर्नर को वापस लगा देंगे। ठीक है, बर्नर को लगाने के बाद फिर हम देखेंगे कि फिर ये मेल्ट होने लगा, फिर मेल्ट होने लगा, फिर हम वाटर का जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर ले लेंगे, अब टेम्परेचर को हम T2 नाम देंगे, है ना। ठीक इन्हीं तरह दो बार जो हम टेम्परेचर लेते हैं इसी का हम एवरेज निकाल देते हैं, एवरेज का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, है कि नहीं, कि सिग्मा एन बटे एन कुछ इस तरह से होता है, सिग्मा का मतलब होता है जो संख्याएं दी है उनका योग। ठीक है, अब किया क्या जाता है, T1 और T2 दोनों टेम्परेचर को हम जोड़ देंगे, T1 प्लस T2, है ना, जोड़ने के बाद क्योंकि ये दो बार मेजर किया गया था, दो टेम्परेचर है तो दो से भाग दे देंगे। अब इसका जो एवरेज टेम्परेचर निकलेगा हम देखेंगे, वही एवरेज टेम्परेचर को उस मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, तो इस तरह से हम लैब में मेल्टिंग पॉइंट को निकालते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर करें और बताएं कि आपको ऐसी और कितनी वीडियो चाहिए। धन्यवाद।